हाँ जी दोस्तों, स्वागत है मेरे फिर से एक और नए नाइट कैंपिंग वीडियो में। तो कैसे आप लोग, होप्स कि सब बढ़िया होंगे। तो आज की वीडियो में आपको कुछ डिफेंस देखने को मिलेगा। तो बहुत टाइम से मेरा मन था फिशिंग करने का, लेकिन आज फर्स्ट टाइम मैं एक्सपीरियंस करने वाला हूँ फिशिंग। तो आज हम फिशिंग करने वाले हैं कैंपिंग में और मज़ा आएगा। तो देखते हैं कितनी मच्छियाँ हम मार पाते हैं और कितनी नहीं। कुछ ये भाई लोग अपने साथ आज, हेलो भाई अपना नाम बता दो। मेरा नाम अभिषेक है। बिल्कुल, आज ये अपने कैंपिंग पार्टनर हैं और ये भाई भी हैं साथ में, नाम बताओ। अरुण और दो भाई वो हैं। तो अभी फिशिंग की तैयारी हो रही है तो फिशिंग करने लग गए हैं। तो ये है हमारे अजय भाई जो कि फिशिंग के मास्टर हैं, और साथ में वो भाई अपना नाम भी बताएंगे। संदेश हैं, संदेश है, संदेश भाई। तो देखो ये फेंका उन्होंने नेट, तो नेट फिशिंग की जा रही है। देखो एक छोटी सी मच्छी, पहली मच्छी लग गई। छोटी मच्छियों को हम भा देंगे। हाँ, ज्यादा छोटी भी नहीं रखेंगे। हाँ, छोटी नहीं खाएंगे पर। बिल्कुल, ये जो बड़ी बड़ी है बस थोड़ा सा। हाँ, तो खाने लायक है। हाँ। उनको रखेंगे, बाकी छोटी को तो हम फेंक रहे हैं। हाँ, बड़ी मच्छी आ गई। अभी ठीक ठाक साइज के आ रखे हैं। हाँ। जिससे कि ना हमारी आज की सब्जी हो जाएगी, सब्जी भी हो जाएगी। हाँ। पकौड़े भी बन जाएंगे छोटे लोगों को। ये बहुत छोटा है, इसको सही बात है। देखो जितना इजी लगता है ना फिशिंग करना, उतना इजी रहता नहीं है। लगभग कभी कभी तो पूरा दिन लग जाता है और कभी एक मच्छी भी नहीं लगती। बस नेट का थोड़ा सा प्रॉफिट रहता है कि इसमें फिर भी छोटी मोटी लग ही जाती है। बाकी अजय भाई, सबसे ज़्यादा मछली कितनी मारी आपने? सबसे ज़्यादा तो हमने एक बार में 64 मछली मारी है। 64? हाँ। देखो भाई, उस टाइम पे जाल ऐसे जैसे चावल नहीं पकता। हाँ। वैसा हो रहा था। अच्छा। हाँ। बाकी अभी शाम के 5:11 हो चुके हैं। तो फिशिंग करने के बाद हमको कैंपिंग लोकेशन ढूंढनी है और कैंपिंग भी करनी है। तो अगर टाइम से कम मछलियाँ लग जाती हैं तो हमको टाइम मिल जाएगा लोकेशन ढूंढने के लिए भी। लास्ट राउंड था अपना और, लेकिन लास्ट राउंड में इन्होंने कमाल ही कर दिया बिल्कुल। देखो पाँच, हाँ तीन मछली, इसके बाद हम नहीं मानने वाले थे, बट पाँच पाँच काउंट कर। देखो पाँच, छः, सात, आठ, नौ, इसके बाद हम जाने वाले थे बट लास्ट राउंड में कमाल हो गए। 10, 17, 18, 18 क्या बात है यार, गजब। 27, 28, छोटे छोटे तो बहा दिए। हाँ, बाकी छोटों की तो कोई काउंटिंग ही नहीं है, उनको हमने बहा दिए। लगभग 30 मछली, हाँ अप्रॉक्स 30 पीसेस एक बार में निकाल देते हैं। देखो मज़ा आ गया, लास्ट आंसर है। बिल्कुल, इसके बाद हमने सोचा था नहीं मारेंगे, बस लास्ट के एक से हम जाने वाले थे घर को। 31, हाँ
तो बिना किसी देरी के सबसे पहले यहाँ पे टेंट पिच करेंगे, और अपने साथ हैं अजय भाई और साथ ही कपिल भाई, तो इनका भी अभिषेक, हाँ अभिषेक भाई, तो इनका भी यूट्यूब चैनल है, नाम बता दो, उत्तराखंडी हिल्स कैंपर करके हमारा चैनल है। बहुत ज़्यादा फिशिंग करते हैं, बहुत ज़्यादा, जिसको फिशिंग की वीडियो देखनी पसंद है तो इनके चैनल पर जा सकता है, तो इन्हें भी देखना, और चैनल पसंद आए तो सब्सक्राइब जरूर करके जाना। तो टेंट लगाए? हाँ टेंट पिच कर, क्योंकि अंधेरा होने वाला है ना। हाँ तो बिना किसी तरीके टेंट पिच करते हैं सबसे पहले। बाकी एक बात, लोकेशन पूरा 360 आपको दिखा, देखो इस साइड पे ना सनसेट हुआ है तो थोड़ा सा रेडनेस आ रखी है, बाकी ये आज की अपनी कैंपिंग लोकेशन है, एक बहुत प्यारा सा ग्राउंड और ठीक अपने नीचे रिवर, देखो हल्की सी नदी के पानी की आवाज़ आ रही है, तो आज बहुत प्यारी रिलैक्सिंग कैंपिंग होने वाली है, साथ ही लैंडस्लाइड जोन भी है, तो बरसातों में ना ऐसी लोकेशन में थोड़ा सा स्किप करना कैंपिंग के लिए बिल्कुल भी रिस्की रहता है। सबसे पहले टेंट निकालते हैं, चलो अंधेरा होते होते ना अपना टेंट पिच हो चुका है, बाकी अब सबसे इम्पोर्टेंट काम है पानी और लकड़ियाँ, दो चीज़, तो लकड़ियाँ तो शायद से यहाँ पर थोड़ा सा मुश्किल है, फिर भी हम ट्राई करेंगे, आसपास दिख रही है थोड़ी बहुत, तो हमारा जो बॉनफायर है वो तो हो जाएगा। बाकी टेंट देखो अच्छे से बढ़िया से लगा दिया, सारा सामान अंदर सेट हो चुका है, तो पास ही नदी है तो अब नीचे चलते हैं पानी लेते हैं, और बहुत इम्पोर्टेंट काम, उससे भी इम्पोर्टेंट काम क्या है अजय भाई? मछली साफ करना। तो फिशिंग की आज फर्स्ट टाइम अपने कैंपिंग में, तो होप कि आपको बढ़िया लगा होगा। बाकी अब सारी मछलियां ले जाते हैं नदी में और उसकी सफाई करके आते हैं, क्योंकि अभिषेक भाई, हाँ बिल्कुल बिल्कुल, क्योंकि वो फिर खराब हो जाएंगे। हाँ क्योंकि गर्मी के दिन है तो थोड़ा सा भी लेट हुई तो खराब हो सकते हैं। कुछ लकड़ियाँ यहाँ पे हैं तो इसको भी हम कलेक्ट करेंगे बॉन्फायर के लिए, तो बढ़िया लकड़ियाँ मिल गई हैं, क्या व्यू लग रहा है यार, सच में अमेजिंग। जब तक अजय भाई ना मछलियाँ वगैरह निकाल लें, तब तक हम अभिषेक भाई और मैं पानी भर लेते हैं। हाँ, क्यों? हाँ हाँ, तब आप फिश निकालो, ये देखो ये हैं आज की हमारी फिश। ये देखो एक क्रैब दिख गया, दो हैं, एक नीचे भी है। ये देखो भाई साहब, अरे पैर काट देते हैं ये अभिषेक भाई के पैर में लग गया था ना। हाँ ये देखो अभी पैर काट देता है इसने यार। अच्छा भाई तुमने खाया क्या क्रैब? नहीं खाया ना। हाँ बड़े लोग बनाते हैं यार, अगर मछलियाँ नहीं होती तो फिर ये ऑप्शन था हमारे पास। हाँ क्योंकि वहाँ मछली का चक्कर नहीं आ रखा। ये देखो यार इतना बड़ा करे भी, इनका भरोसा नहीं होता, जहरीले भी होते हैं ना। हाँ इतना रेड देखो, चलो भाई मैटिंग वगैरह करते हैं, बाकी अजय भाई आग जला दें और बढ़िया से किचन सेट करते हैं और बाहर भी कुकिंग करेंगे आराम से। रिवर साइड आए हैं तो रिवर साइड के मज़े लेंगे ठंडी ठंडी हवा की।
चलो भाई कॉफी भी तैयार हो चुकी है। दोस्तों आज हम अशोक भाई के साथ अपनी कैंपिंग कर रहे हैं और उनके साथ अपनी कॉफ़ी इंजॉय कर रहे हैं और बहुत अच्छा वाइब, अच्छी वाइब आ रही इनके साथ हमको। अच्छा लगा आज के सीन देखिए, आपको कैसा लगा हमारे साथ? बहुत बढ़िया यार, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया एक्सपीरियंस अभी तक तो सर है। नौ बजकर एक मिनट हो चुके हैं, बाकी अब टाइम आता है डिनर बनाने का। धीरे धीरे स्टार्ट करते हैं। बिल्कुल, तो कुकिंग आग पे ही होने वाली है ना? हाँ, बढ़िया सर, आग जली है लकड़ी ना से। आग भी सेक लेंगे ना? आग भी सेक लेंगे, ठंडा हो रहा है। हाँ, अजय भाई को पहले हम बना रहे हैं फिश पकौड़े। आई थिंक फर्स्ट टाइम मैं कुक कर रहा हूँ फिश पकौड़े अपने कैंपिंग वीडियो में, तो बढ़िया से आपको कुकिंग दिखाते हैं। तो सबसे पहले फिश पकौड़े बना रहे हैं, तो बेसन ऐड करेंगे। बेसन घुल गया है, तो अब इसमें मसाले ऐड करेंगे। रेड चिली पाउडर कितना ले लेना, धनिया पाउडर, हल्दी कम, मिर्ची हल्दी का सब, ब्लैक पेपर, चलो भाई अब सारे फिश इसमें ऐड कर रहे हैं फिश पकौड़े के लिए। बाकी फिश पकौड़े के लिए हमने स्लाइस टाइप का पीस से काट रखा है ताकि अंदर भी मसाला मिक्स हो और टेस्ट भरपूर आए। भरपूर ऑयल गरम हो चुका है, हो गया, हाँ हो गया, हो गया। वाह, आवाज़ सुन के आपको पता चल गया होगा कितने करंची हो रहे हैं, रख तो अच्छे रहे। तो जितने भी थे अपने सारे फिश पकौड़े बन के रेडी हैं, बस अब जो है कि खाने की देर है। लगभग टाइम 10:02 हो चुके हैं। तो ये देखो, ये हैं भाई अपने डिलीशियस फिश पकौड़े, देखो बिल्कुल कुरकुरे से क्रंची हो रखे हैं। बाकी सेजवान चटनी मैंने डाल दी है। टेस्ट करें? यस, उठाओ आप उसे, चटनी सेजवान चटनी। चटनी के साथ और अच्छा टेस्ट आ रहा है ना? और अच्छा टेस्ट आ रहा है। वाह भैया, सूजने से इतने अच्छे बनेंगे नहीं? क्रेडिट गोज टू अभिषेक भाई हैं, अजय भाई। मसाले सारे आपने डाले हैं? मसाले तुमने डाले हैं? हाँ, ये है कि मसाले मैंने डाले। बहुत टेस्टी है सच में।
बहुत अच्छे से कूक रखे हैं, बिल्कुल बहुत अच्छे से। इट्स टाइम टू मेक फिश करी, क्योंकि बहुत ज़्यादा लेट हो गए। फटाफट से अब फिश करी बनाते हैं यार। बाकी हवा थोड़ा सा परेशान करेगी अपने को, देखो पूरी फ्लेम उलती है यार। चावल भी रेडी है, चॉपिंग सारी हो चुकी है, प्याज कट गया, टमाटर, हरी मिर्च, फिश यहाँ पे कट के रेडी है। ऑयल ऐड कर देता हूँ सबसे पहले। तो ऑयल गरम हो चुका है, सबसे पहले ज़ीरा ऐड करेंगे। हाँ थी प्याज चॉप्ड, चलो प्याज लाइट ब्राउन हो चुके हैं, बाकी इसमें आप टमाटर ऐड कर देता हूँ। टमाटर मेल्ट हो गए हैं तो सारे मसाले ऐड कर देता हूँ। हाँ वही ठंडा हो ही रहा है, ठंडा हो ही रहा है ऑब्वियसली। चिली पाउडर, नमक डाला क्या मैंने? डाल दिया। हाँ जी, मसाला लगभग पक चुका है, तो अब लास्टली इसमें फिश ऐड कर ही देते हैं। तो ये देखो तो पानी डालो, क्योंकि हिलाते नहीं ना फिश को। अच्छा अच्छा, नहीं हिलाते ना, ना ना। चलो भाई, बाकी अब इसका वेट करते हैं, सीधे मिलते हैं आपको डिनर टाइम में। बहुत ज़्यादा भूख भी लग गई और रात भी बहुत हो गई है लेट। तो दोस्तों हमारा डिनर हो गया रेडी, तो मजे कर रहे हैं सब और अब डिनर करते हैं। भूख तो बहुत लग गई यार, और टाइम भी काफ़ी हो चुका है ना, बारह बजने वाला है। हाँ। और लेकिन आज टाइम का पता नहीं लग रहा यार ना। अपनी प्लेट तो रेडी हो चुकी है दोस्तों, बढ़िया से फिश करी, साथ में चावल टेस्ट करते हैं। बाकी देखो फिश अच्छे से पक रखी है, लेट्स टेस्ट इट। सच में ऐसी हवा चल रही है ना ठंडी वाली, इतना ठंडा दिसंबर में नहीं हुआ है। सही बात है, बहुत ठंडा हो रहा है, बहुत ठंडा हो रहा है। आप यकीन नहीं करोगे, मुझे पता है, बट वी आर फीलिंग बहुत ठंडा हो रहा है। तभी तो आग के सामने बैठ गया था।
बढ़िया बढ़िया तो है। फिश पकौड़े जय भाई ने बनाए थे साथ में अभिषेक भाई ने और फिश करी में अच्छा बना था। अब उन्हें इसमें काटना अच्छे से खाना फिश खाने का भाई तरीका है सबको नहीं होता है। डिनर करते हैं फिर सीधे सोते हैं। डिनर भी 12 बजे होते हैं। ओके दोस्तों खाना पीना खा के टेंट के अंदर आ गए हैं और टाइम देखो 12:26। तो 12:30 बजे हम सो रहे हैं और लगभग 1 बजे नींद आएगी। 1 बजे नींद आएगी हाँ। तो चलो फिर मिलते हैं आपको सीधे मॉर्निंग में क्यों बढ़िया नज़ारों के साथ देखें। तब तक के लिए गुड नाइट। गुड नाइट मिलते हैं मॉर्निंग में बाय बाय। टेंट के अंदर गर्म ही हो रहा है उतना ठंडा नहीं बाहर ठंडा हो ही है। गुड मॉर्निंग दोस्तों। गुड मॉर्निंग। तो सुबह हो चुकी है बाकी सुबह की वाइब्स बहुत शानदार अल्टीमेट। भाई साहब लगभग 12:30 या 1 बजे सोए थे और अभी शायद सुबह के 7 बजे ने टाइम भी नहीं देखा है। बाकी ठीक अपने आगे का नज़ारा कुछ ऐसा है और ये रही थी अपनी कल की कैंपिंग लोकेशन और धूप भी आ चुकी है यहाँ पर। तो गुड मॉर्निंग अजय भाई। गुड मॉर्निंग अभिषेक भाई। कैसी नींद आई? बहुत बढ़िया यार। बढ़िया खुली नींद हाँ। तो हल्का फुल्का बॉनफायर भी कर दिया मॉर्निंग का उन्होंने। तो अभी ना डायरेक्टली सारा सामान पैक करेंगे और निकलेंगे यहाँ से घर के लिए क्योंकि ना यार कल आते हुए मेरा GoPro ख़राब हो गया तो शायद से उसके अंदर पानी चले गया तो इस वजह से मैंने पूरा शूट फिर अजय भाई के ही फ़ोन से किया तो स्टोरेज की थोड़ा दिक्कत है इस वजह से ज़्यादा वीडियो कंटिन्यू नहीं कर पा रहा हूँ। बाकी अभी के लिए निकलते हैं यहाँ से पैक करके मिलेंगे बहुत जल्द एक और नई वीडियो के साथ फिर उसके बाद और फिशिंग करेंगे तो बढ़िया वीडियोस देखने को मिलेगी। तो ये थी कल की कैंपिंग लोकेशन। तो होप कि कल की कैंपिंग वीडियो आपको पसंद आई होगी। पसंद आई तो लाइक कमेंट शेयर करना बाकी चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब करके जरूर जाना और अजय भाई का चैनल भी जरूर विजिट करना अगर लिंक होगा तो मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगा। तब तक के लिए बाय बाय टेक केयर एंड लव यू दोस्तों बाय बाय।